अगर मैं कहूं कि बस 500 रुपए जेब में रखकर आप उज्जैन जैसे शहर में घूम सकते हो तो विश्वास करोगे? चलो विश्वास दिलाई देती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलती हूँ उज्जैन के कुछ ऐतिहासिक मंदिरों में, वो भी बस 500 रुपए में। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसे आप लोगों को पता है, हम लोग शेगांव और उज्जैन के रोड ट्रिप पे है। उज्जैन में कल महाकाल के मंदिर में महाकालेश्वर का दर्शन लेके आज दूसरा दिन है उज्जैन में। और दूसरे दिन हम लोग उज्जैन में जितने भी मंदिर है वो घूमने आए हुए हैं। तो हम लोग ने एक्चुअली बुक किया है एक ऑटो रिक्शा, उसके बारे में डिटेल्स तो मैं ऑफकोर्स शेयर करूंगी आपके साथ, बट एक एक मंदिर में जाके दर्शन लेने वाले हैं। तो ये वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने में। कल शाम बाबा महाकाल और भारत माता मंदिर में दर्शन लेकर हमने हर सिद्धि माता मंदिर में संध्या आरती देखी, जो हमारे लिए काफी अलग एक्सपीरियंस रहा। आरती के ठीक बाद हमने महाकाल लोक कॉरिडोर एक्सप्लोर किया। महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन के D1 ब्लॉक को जरूर देखना। वैसे उज्जैन घूमने के कई तरीके हैं, पर उन सब में से प्रेफर्ड तरीका है बाय बस, ऑटो और अगर बड़ी ग्रुप है तो बाय कार। हमने इस ट्रिप में लास्ट टाइम जैसे ही ऑटो चुना है और दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे ही हम चले उज्जैन के कुछ ऐतिहासिक मंदिरों में दर्शन लेने, जिसका कॉस्ट केवल 500 रुपया है। अब इस 500 रुपये में कितनी जगह ले जाते हैं ये देख लेते हैं। तो दिन की शुरुआत हुई है भर्तरी गुफा से। बाबा महाकाल मंदिर से बस 5 किलोमीटर की दूरी पर भर्तरी गुफा है, जो लगभग 2000 साल पुरानी है। राजा भर्तरी विक्रमादित्य के छोटे भाई और उज्जैन के राजा थे। राजा भर्तरी की पत्नी पिंगला से धोखा खाने के बाद उन्होंने अपना राज्य और सारे सांसारिक सुख त्याग कर साधु जीवन जीने का निर्णय लिया था। उसी दौरान वो इस गुफा में 12 साल तक तपस्या करते रहे, जो गुफा में 5 से 10 मिनट से ज्यादा बिताने पर हमें सांस लेने पर दिक्कत हो जाती है। वहाँ राजा भर्तरी ने करीबन 12 साल तपस्या की थी। गोरखनाथ जी राजा भर्तरी जी के गुरु हुआ करते थे। गुफा के बाहर निकलते ही हम चले गुफा के ठीक पीछे बनाए संत गोरखनाथ जी के मंदिर में। मंदिर के दो एंट्रेंसेस है, फ्रंट और एक बैक साइड से। कहीं से भी आप आओगे आपको गौशाला यहाँ दिखेगा और यहाँ हम खुद गाय को चारा खिला सकते हैं। तो गाय को खिलाने हमने भी एक टोकरी ले ली। राजा भर्तरी जी के गुफा से हार्डली लाइक 5 मिनट के डिस्टेंस पर ऑटो रिक्शा से हम लोग आए हुए हैं गढ़कालिका माता देवी के दर्शन लेने के लिए। ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। कहते हैं गढ़कालिका माता की प्रतिमा इस मंदिर से काफी पुरानी है। उज्जैन में दो शक्तिपीठ है, एक हरसिद्धि माता और दूसरी गढ़कालिका माता। ये मंदिर विशेष रूप से स्टूडेंट्स के बीच काफी धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ लोगों की ये मान्यता है, महान कवि कालिदास जी अक्सर माता के दर्शन के लिए यहाँ आया करते थे और उसी कारण उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गढ़कालिका देवी माँ के दर्शन के बाद अभी हम आए हुए हैं काल भैरव जी के दर्शन के लिए, और एग्जैक्टली उसके पीछे ही आपको शिप्रा नदी मिलेगा। बेसिकली पूरे उज्जैन में आपको शिप्रा नदी मिलेगा। रामघाट में भी शिप्रा नदी का शाम को आरती भी होता है। आई विल मेक श्योर कि मैं वहाँ पे भी जाकर कवर करूँ आरती, बट एज ऑफ नाउ आई विल गो एंड टेक दर्शन ऑफ काल भैरव। कहते हैं उज्जैन महाकाल का दर्शन काल भैरव के दर्शन के बिना अधूरा होता है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित काल भैरव मंदिर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जितना ही प्रसिद्ध है। भगवान को मदिरा चढ़ाने की अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर उज्जैन में एक अवश्य देखने जाने वाले मंदिरों में से एक है।
कई भक्त यहाँ काल भैरव को मदिरा चढ़ाने के लिए लेकर आते हैं। राजा भद्रसेन द्वारा बांधा गया काल भैरव मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। उज्जैन में कई सालों तक मराठाओं का शासन था और उसका प्रभाव आज भी कई उज्जैन के मंदिरों में आप देख सकते हो। उन्हीं में से एक है काल भैरव मंदिर का ये गेट और यहाँ का दीप स्तंभ। उज्जैन के कोतवाल होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर में जितनी भीड़ होती है उतनी ही भीड़ आप काल भैरव के मंदिर में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। काल भैरव मंदिर से बस 5 मिनट की दूरी पर हम आ चुके हैं सिद्धवट। ये वही जगह है जहाँ काल सर्प दोष की पूजा और अंतिम विधि और कार्य किए जाते हैं। गांव के मान्यता अनुसार पार्वती माँ ने इस जगह तपस्या की थी और सिद्धवट के इस वट वृक्ष को उन्होंने अपने हाथों से लगाया है। मुगल राज्य के दौरान इस पेड़ को काटकर लोहे के चादरों से ढककर इसे तोड़ने की कई कोशिश की गई थी। लाख कोशिशों के बाद भी वो इस वट को तोड़ नहीं पाए। रामायण अनुसार भगवान राम ने अपने पिता के मृत्यु के बाद इसी जगह उन्होंने पितृतर्पण किया था। इसी कारणवश कई लोग यहाँ पिंडदान पितृतर्पण करने आते हैं। सिद्धवट मंदिर में दर्शन लेने के बाद अभी हम आए हुए हैं मंगलनाथ मंदिर में, उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में। बेसिकली नवग्रह जो है, नवग्रह में मंगल ग्रह के लिए ये मंदिर समर्पित है, जहाँ पे इनकेस अगर आपको मंगल दोष वगैरह रहेगा तो यहाँ पे आके आप निवारण कर सकते हो। यहाँ पे उस चीज़ की पूजा भी की जाती है, तो अभी हम लोग वहाँ पे जाके दर्शन लेंगे। हिंदू धर्म के मत्स्य पुराण अनुसार मंगलनाथ मंदिर मंगल भगवान का जन्म स्थान है। ऐसा माना जाता है कि मंगलनाथ मंदिर पृथ्वी का केंद्र एज इन सेंटर पॉइंट है। किसी इंसान को अपनी कुंडली में मांगलिक दोष हो उस दोष का निवारण यहाँ किया जाता है। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर में पूजा किया जाता है कुछ इस तरीके से और सेकेंड फ्लोर पे शिवलिंग की स्थापना की है। मंगलनाथ मंदिर में सैकड़ों भट्ट और पुजारी मिलेंगे जो गेट से ही आपको पूजा के लिए पूछते हुए आते हैं। और दुकानदारों की बात करें तो वो आपको जानकारी देने के माध्यम से कब आपके हाथ में पूजा की थाली थमा देंगे आपको समझेगा भी नहीं। सावधान और सतर्क रहें। प्राचीन उज्जैन अपने राजनीतिक और धार्मिक महत्व के अलावा महाभारत काल के शुरुआत में उज्जैन शिक्षा का एक प्रतिष्ठान केंद्र था। इसका लाइव प्रूफ है महर्षि संदीपनी आश्रम। इसी जगह श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से पहली बार मिले और गुरु संदीपनी ने अपने शिष्य श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को शिक्षा दी थी। आश्रम का परिसर काफी बड़ा है और इस परिसर में आप 6000 साल के शेषनाग के साथ शिवलिंग देख सकते हो, जिसे महर्षि संदीपनी ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर बनाकर स्थापना भी की। महादेव के मंदिर के बगल में आप गोमती कुंड देख सकते हो, जहां श्री कृष्ण और बलराम ने अनेक पवित्र नदियों से जल लाया था ताकि गुरु संदीपनी इसका इस्तेमाल कर सके। आश्रम में कृष्ण पाठशाला के ठीक सामने आपको इस कक्ष में श्री कृष्ण को सिखाए गए 14 ज्ञान के अनुशासन यानी वेदास और वेदांका के बारे में जान सकते हो। संदीपनी आश्रम में ये मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्शन आप कह सकते हो। इस डोम के अंदर की कलाकृति मेरे जैसे आर्ट लवर्स के लिए पैराडाइज है। यहाँ के हर एक दीवार पे एक कहानी आपको इन आर्ट फॉर्म्स के थ्रू देखने मिलती है। आश्रम के अंदर मेरा दूसरा फेवरेट सेक्शन है गैलरीज ऑफ 64 आर्ट फॉर्म्स। आज के ज़माने में शहर के हर गली में बेसिक और इंटरनेशनल स्कूल्स हमें देखने मिलता है, पर स्कूल्स में सिखाए जाने वाली चीज़ें एक नॉर्मल लाइफ में हम हार्डली यूज़ कर पाते हैं। इसे विपरीत श्री कृष्ण के वक्त हुआ करता था। गुरु संदीपनी ने एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, कुकिंग, क्लीनिंग, आर्ट, म्यूजिक, ग्रामर, डिसिप्लिन, काइंडनेस जैसे उन चीज़ों को सिखाया जिसकी ज़रूरत है।
और इस आर्ट गैलरी में गुरु संदीप ने सिखाए 64 आर्ट फॉर्म्स को इन पेंटिंग्स के थ्रू यहाँ दर्शाया है। सुबह के थकावट को दूर करके शाम को हम निकल गए हैं महाकालेश्वर मंदिर के बगल के बड़े गणेश जी के मंदिर की ओर। बड़े गणेश जी का मंदिर उज्जैन के मस्ट विजिट टेंपल्स के लिस्ट में जरूर होना चाहिए। बड़े गणेश जी का मंदिर गणेश जी के इस 18 फीट विशाल मूर्ति के लिए काफी फेमस है। जनरली गणेश जी की सुंड राइट साइड में होती है, पर इस मंदिर में गणेश जी की सुंड लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो। मुख्य मंदिर है, वो मुख्य मंदिरों में दर्शन लेकर अभी रूम में गए हम लोग, थोड़ा सा रिलैक्स किए और अभी हम लोग इवनिंग में आए हुए हैं राम घाट। बेसिकली वाराणसी में जैसे आरती होता है, संध्या आरती होता है, सेम उसी तरह से राम घाट उज्जैन में भी आरती होता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम लोग फॉर्चुनेट इनफ रहेंगे तो आज आरती अटेंड कर पाएंगे, तो मैं आपको उसका व्यूज दिखाऊंगी। वाराणसी के गंगा आरती के बारे में हम सभी जानते हैं, पर उज्जैन के रामघाट में शिप्रा आरती के बारे में हार्डली कोई जानता है। रामघाट हर सिद्धि माता मंदिर के ठीक पीछे 2 मिनट की दूरी पर स्थित है। रामघाट हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक धार्मिक महत्व रखता है, क्योंकि हर 12 साल में होने वाला कुंभ मेला इसी रामघाट में होता है, जिसमें शामिल होने 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग आते हैं। और आज रामघाट में शिप्रा नदी की आरती में शामिल होने हम आए हैं। वीडियो एंड करने से पहले बजट के बारे में बता देती हूँ। उज्जैन में रूम्स आपको 500 से 5000 तक के रेंज में मिल जाएंगे। खाने पीने की व्यवस्था आपको हर गली में है। तीनों वक्त का खाना आराम से 500 से 600 रुपए के अंदर ही आपका हो जाएगा, क्योंकि खाना काफी सस्ता है उज्जैन में। उज्जैन घूमने की बात करें तो उज्जैन दर्शन के लिए रोज बस निकलती है, जो 100 रुपया पर पर्सन टिकट कॉस्ट में उज्जैन के कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशन दिखा देते हैं। ऑटो एक बेस्ट तरीका है, जहाँ 400 से 600 रुपए के अंदर 6 से 7 इम्पोर्टेंट लोकेशंस को वो दिखा देते हैं। उम्मीद है महाकाल की नगरी में महाकालेश्वर के साथ उज्जैन के अन्य मंदिरों में दर्शन लेकर और उसके बारे में जानकर और शिप्रा नदी के आरती का एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।